हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू अवर टॉपर सॉल्यूशन। गाइस ये वीडियो होने वाली है आपकी जो एक फ्लेमिंगो बुक है ट्वेल्थ क्लास में, उसका चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन, जिसे लिखा था अल्फोंस डॉडेट ने। ओके, तो इस चैप्टर को आप लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन आंसर में याद तो होते नहीं, अगर आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो तो बहुत बेटर रहेगा, है ना। जो पिछली वीडियो की थी वो इंग्लिश में अपलोड करी थी, लेकिन यार पता बहुत एक चीज़ ख़राब लग रही है कि दो वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे, क्या ही सीन था, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। एंड एक चीज़ आपको याद रखना है यार, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, क्योंकि अब से आपकी ट्वेल्थ की तैयारी स्टार्ट हो गई है, अब मैं रेगुलर रहूँगा यूट्यूब पर। ओके, एंड चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कि उस दिन जो फ्रेंच से स्कूल में क्या पढ़कर आने की उम्मीद की गई थी। फ्रेंच एक बच्चा है, मतलब लड़का है, जो कि स्कूल में उसको होमवर्क दिया था, तो उनसे क्या पढ़कर आने की उम्मीद की गई थी, तो उसका आंसर बताना है हमें। तो ये देखो, हम आपको 11 क्वेश्चंस बताएंगे इस चैप्टर से, यही 11 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इतनी गारंटी देते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंग्लिश में आती है, तो इंग्लिश की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो आपको इंग्लिश में। आपको पता है कि 11th का पेपर कैसा गया इंग्लिश का, मैं समझ सकता हूँ। ओके, तो बाकी इस बार 12th में बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस रहने वाली है अपनी। ओके, तो वीडियो को ज़रूर से पूरी और फुल वॉच देखा करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आंसर की बात करते हैं, जो फ्रेंच वॉज एक्सेप्टेड, फ्रेंच से एक्सेप्टेड किया गया था विद अ लेसन पार्टिसिपल, जो उनका पार्टिसिपल चैप्टर था, फॉर स्कूल दैट डे बिकॉज हिज टीचर, जो इनके टीचर थे उनका नेम भी याद रखना, एम हैमिल, ठीक है, ये इनका नेम था। वॉज टू आस्क अ क्वेश्चन पार्टिसिपल्स, जो उनका क्वेश्चन था पार्टिसिपल्स, बट फ्रेंच वॉज नॉट रिमेम्बर्ड हिज होमवर्क, लेकिन फ्रेंच ने क्या कहा कि उनको होमवर्क याद नहीं, ठीक है, फ्रेंच को होमवर्क याद नहीं था। तो ये इसका आंसर रहा था। क्वेश्चन क्या था कि उस दिन फ्रेंच से स्कूल में क्या पढ़कर आने की उम्मीद की गई थी, कि पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन याद करने को बोला था, लेकिन फ्रेंच ने याद नहीं किए थे। सिंपल आंसर है, ठीक है। अगर याद ना आए तो सीधे बना के लिख देना कि फ्रेंच से क्या पढ़कर आने की उम्मीद की गई थी, लेकिन होमवर्क में एम हैमिल्सन ने बोला था, लेकिन वो होमवर्क याद करके नहीं आए थे। समझ आ गया बहुत अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्या क्वेश्चन है, उस दिन फ्रेंच को स्कूल में क्या चीज़ आश्चर्यजनक लगी। फ्रेंच एक दिन स्कूल गए थे, तो उन्हें स्कूल में क्या चीज़ अलग लगी, आश्चर्यजनक लगी, एकदम शॉक्ड टाइप की, तो वो बताना है, ठीक है। तो क्या था, इधर तक अपन लोगों को लिखना है साइलेंस एंड अराउंड द स्कूल दैट डे, फिर उसके बाद लिखना है बिकॉज। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, जब फ्रेंच स्कूल जाते थे तो उनको बहुत शोर शराबा, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, एक जैसे पीरियड स्टार्ट हो जाए तो स्कूल से आवाज़ें आती हैं, मतलब शोर की आवाज़ आती है, बच्चे बोलते रहते हैं, टीचरों की आवाज़ आती है, लेकिन उस दिन क्या था कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल शांति थी, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल संडे को पहुंच गया। फ्रेंच सोच रहे थे कि मैं स्कूल संडे को पहुंच गया। यूजली क्या होता है कि स्कूल्स में अपन लोग जाते हैं तो शोर और होता रहता है ना, वैसे जैसे प्रेयर हुई उसके बाद थोड़ा बहुत खटपट, बेंच खटपट होती रहती हैं, बच्चों का शोर गुनगुन टाइप का आता रहता है, वो चीज़ उस दिन कुछ नहीं हो रहा था। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं संडे को तो नहीं स्कूल आ गया, ठीक है, ईजिली समझ आ गया। ओके, वो मतलब ये एक स्टोरी इनके ऊपर है, फ्रेंच एक लड़का था उसके ऊपर है, और धीरे धीरे आंसर्स में आप सब समझ जाओगे। ओके, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपको पता, ऐसी चीज़ समझाएंगे कि आपके स्कूल वगैरह में कहीं नहीं समझाई जाती, यूट्यूब में, ऑल ओवर यूट्यूब में ऐसे आंसर कोई नहीं समझा रहा, इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को यार प्लीज़ यार शेयर कर देना, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन थोड़ा कम हो गया है लिटरली, मतलब थोड़ा YouTube की अपनी थोड़ी सी हालत डाउन हो गई है, लेकिन आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग करेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना शेयर कर देना भैया के लिए। ओके, ठीक है, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन का हिंदी में क्या था, तो इसका है कि मतलब एक सूचना पत्र पर क्या लिखा था। इसका सिंपल ईजी क्वेश्चन है, वॉट हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड को बोलते हैं हिंदी में सूचना पत्र, उनके शहर में एक बुलेटिन बोर्ड छपा था, तो उसमें क्या लिखा था। तो उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट टू ईयर्स न्यूज़ की, कि लॉस्ट बैटल अराउंड दी कमांडिंग ऑफिसर्स आए हैं, हैड बीन पुट ऑन दी बुलेटिन बोर्ड। उन्होंने बुलेटिन बोर्ड में लास्ट टू ईयर्स की न्यूज़ लिखी थी, लॉस्ट बैटल, जो बैटल वगैरह हुए वो सब चीज़ें लिखी थी।
ओके समझ आ गया कि क्या क्या चीज़ें लिखी थी। बस ये याद रखना है कि लास्ट टू ईयर बैड न्यूज़, जो लास्ट दो सालों से लड़ाई झगड़ों की बैड न्यूज़ उन्हें बोलते हैं, ठीक है, लड़ाई वड़ाई होती नहीं, ये लिखना है। और सेकंड पॉइंट क्या लिख देना है, लॉस्ट बैटल एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स एटसेट्रा, ठीक है, ETC भी बोल सकते हो। वेयर डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम एंड वॉन्ट, फोर्थ क्वेश्चन है, ऑर्डर आए कहाँ से आया था और क्या था, मतलब ये ऑर्डर जो आया था वो कहाँ से आया था, तो ये ऑर्डर आया था जर्मनी से, ठीक है। एन ऑर्डर कम टू बर्लिन दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज, वो किस लिए आया था कि जो फ्रेंच, जो इधर की फ्रेंच लैंग्वेज थी अब इधर से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि डिस्ट्रिक्ट का नेम था लॉरेन डिस्ट्रिक्ट। समझ आ गया कि उधर पे जर्मन से आदेश आया था कि अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आए आदेश के कारण क्या परिवर्तन दिखाई दिए। तो द ऑर्डर ऑन बर्लिन केस द मेजर चेंजेस स्कूल दैट डे विच आर, जो बर्लिन आए थे उनके स्कूल में तो उससे क्या चेंजेस दिखाई दिए, तो वो बताना है। अ यूनिक साइलेंस ऑल अराउंड, मतलब उस दिन क्लास में पूरे स्कूल में शांति थी। देयर वॉज नो हस्टल एंड बस्टल इन अराउंड द स्कूल, मतलब मतलब कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, ना डेस्क की खटर पटर की, जो टीचर स्केल वगैरह मारते हैं चिल्लाते हैं बच्चों पर, वो कुछ नहीं आ रही थी। द क्लासमेट वॉज फ्रेंच वॉज सिलिंग एट देयर प्लेस, बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। फिर फोर्थ पॉइंट है, एम हैमिल हैड पुट हिज बेस्ट क्लॉथ स्पेशल क्लॉथ, जो एम हैमिल उनके सर थे उस दिन बहुत नए कपड़े पहने हुए थे, ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे, है ना वो चीज़। एंड फिफ्थ पॉइंट है, फ्रंट बेंचेस वर फुल विद द स्टूडेंट एंड बैक बेंचेस विद द फुल ऑफ विद विलेजर्स, फ्रंट जो आगे की बेंचेस थी उस पर बच्चे स्टूडेंट्स बैठे थे और पीछे की बेंचेस पे गांव के लोग बैठे थे, जो विलेजर्स थे ना उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के, जैसे आपके यहाँ से, जैसे आप कहीं से भी हो तो आपके यहाँ के आप लोग बैठो और आपके पीछे वाली डेस्कों पे विलेजर्स बैठे, क्योंकि वो स्कूल का लास्ट डे था और मतलब उस शहर में फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे था कि फ्रेंच अब उसके बाद नहीं बोली जाएगी, तो पूरा गांव के लोग आए थे। ओके मतलब मेन मेन लोग आए थे जो कि मतलब जिन कोई ओहदे पे थे, जैसे कोई मेयर था, मेयर बोलो तो सरपंच वगैरह समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। व्हाट डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज, तो क्या है एम हैमिल तथा जो स्कूल के प्रति फ्रेंच की भावनाएं किस प्रकार परिवर्तित हुई, जो एम हैमिल और फ्रेंच मतलब जो टीचर और स्टूडेंट के उसमें था, तो उनका क्या था कि फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट डे है, ही वॉज वेरी सैड, वो लोग बहुत दुखी थे। एम हैमिल विल नॉट बी टीचर एनी मोर, अब एम हैमिल अब उस स्कूल में नहीं पढ़ाते, नाउ टीचर विल कम एंड टीच दी जर्मन लैंग्वेज, और नए टीचर आते अब वो क्या पढ़ाते, जर्मन लैंग्वेज। तो एम हैमिल का ये जो एम हैमिल सर थे ना, वो 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन ये उनका लास्ट दिन था, ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है, आंसर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यार, आंसर समझ आने चाहिए। अगर आपको चैप्टर वन समझ आ गया तो आप स्कूल में अलग ही लेवल स्वैग होगा आपका, अल्ट्रा प्रो लेजेंड। ओके, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट सोस यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो क्वेश्चन क्या है, इस कहानी के लोग अचानक ही इस बात को महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी बहुमूल्य थी, आप इसे क्या समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो आप अभी तक हिंदी बोलते आ रहे हो, आपसे मतलब ऑर्डर आए दूसरी कंट्री से कि अब से आपके यहाँ हिंदी नहीं बोली जाएगी, अब से आप लोग इंग्लिश बोलोगे, तो आप लोगों को कितना अजीब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना कि अब हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते। तो वही सब चीज़ इस स्टोरी में लिखा है कि इनफैक्ट द पीपल ऑफ स्टोरी सडनली रियलाइज द प्रीसियस लैंग्वेज, जो पीपल सोच रहे हैं कि हम प्रीसियस लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जो हमारा कल्चरल हमारी चली आ रही भाषा है, हमारी मदर टंग है, अगर वो नहीं बोलेंगे हम, है ना, हम लोग फ्रेंच मैन हैं, जैसे वो लोग फ्रेंच बोलते तो वो अपने आप को फ्रेंच मैन समझते थे, ठीक है। ड्यू टू दिस फ्रेंच मैन रियलाइज दे डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दी स्टडी देयर लैंग्वेज, वो लोग अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हीं की किताबें पढ़ा करते थे, तो ये चीज़ हुई। जैसे आपसे हिंदी के लिए बोला जाए, आप हिंदी छोड़ के इंग्लिश पढ़ोगे तो वो चीज़ नहीं होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द ऑथर वांट टू कन्वे द रीडर्स थ्रू द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, थ्रू द लास्ट लेसन द ऑथर एल्फोन डॉटेड, जो इस कवि हैं मतलब जो लेखक हैं, है कवि क्या बोल रहा हूँ, लेखक हैं, हैव अ डेफिनेट मैसेज दैट एवरीबडी वॉन्ट टू एक्सप्रेस प्राइड इन वन लैंग्वेज, कि वो इससे देना चाहते हैं कि आपकी एक वन लैंग्वेज है जो ग्रेटनेस्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे उन लोगों की फ्रेंच लैंग्वेज थी। इन द लेसन पार्टिस
patriotized feeling. It makes the readers aware that they must keep their language and cultural alive at any rate. मतलब वो ये बताना चाहते थे कि कोई अपनी cultural language, पुरानी language को कैसे भूल सकता है ना, वो सब चीज़। तो ईजी आंसर है ये, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक लॉन्ग आंसर जरूर आएगा ये वाला शायद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन एल्फलोइन हैज बीन सेट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये क्वेश्चन वैसा है, जो लास्ट लेसन था डेज फ्रेंचमैन पर्सियन, जैसे 1870 से 1871 में फ्रेंच ने पर्सिया मतलब जो जर्मनी का पार्ट है उसको हराया था। एंड ऑर्डर हैड टू कम बर्लिन दैट नेक्स्ट डे जर्मन लैंग्वेज विल टॉट द स्कूल्स ऑफ एल्केस एंड लॉरेन। द स्कूल डिस्क्राइब द टीचर एस्केस रिएक्ट टू दिस शॉकिंग न्यूज़। जब एम हेमेल को ये शॉकिंग न्यूज़ पता चली तो फिर वो लोग, उनका क्या रिएक्शन था कि अब हमारे यहाँ जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी। ओके, तो ये कहानी मतलब इसी टॉपिक्स पर है। ओके, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंच थिंक ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर्स। फ्रेंच टॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ डोर्स बिकॉज दे स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मतलब ये स्टार्टिंग का पार्ट है कि जो फ्रेंच था वो अपने स्कूल्स के पार्टिसिपेट नहीं करता था, स्कॉल्डिंग वो डरता था, है ना। और वो देखो एक दिन जी स्टार्टिंग की स्टोरी है कि एम हेमिल बंक देखा ऐसा भी ने मतलब करते होंगे, है ना। तो इस एम जो फ्रेंच बच्चा था तो वो बंक मार चुका था स्कूल से, वो कह रहा था सुबह नदी किनारे बैठ जाता था और मछलियां पकड़ता रहता था, मतलब ऐसा करता रहता था। तो उसको लगता था कि स्कूल में क्या ही पढ़ेंगे हम, मतलब अभी आप लोगों को भी लगता होगा बंक मार लेते होगे आप लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको फिर रियलाइज़ होता है कि मैं बंक नहीं मारता तो मुझे फ्रेंच लैंग्वेज अभी बहुत अच्छे से आती है ना। तो ये सब चीज़ें कि अब उसका लास्ट लेसन ज़रूर था, लेकिन ठीक है समझ रहे हो आप लोग कि अगर वो बंक नहीं मारता तो आज उसे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी आती, क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज जो अब उसे नहीं पढ़ना था। और जैसे आपको हिंदी है, हिंदी आपसे बोल दिया जाए कि आपकी हिंदी छूटनी है, लेकिन आपको हिंदी पढ़ना और लिखना भी नहीं आता है, फिर आपसे कोई ऑर्डर आए कि आपसे हिंदी नहीं पढ़ सकते तो बहुत बुरा लगेगा, है ना, वो चीज़ रहती है। तो आई होप इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आए होंगे और मैंने शायद ही सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर एक्सप्लेन किया हो तो इस प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करो, क्योंकि आने वाले चैप्टर सभी एक्सप्लेन होने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो इंग्लिश में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट जाने वाला है एंड सभी सब्जेक्ट में जाने वाला है। हम लोग जल्द से जल्द कवर अप करेंगे कि जल्दी से जल्दी सभी चैप्टर्स कवर अप कर दें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फुल वीडियो देखिए तो हैशटैग टॉपर सॉल्यूशन जरूर लिख देना।